हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस संडे का दिन था, यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। दो तीन दिन पहले इन्होंने बोला था कि आलू की पकौड़ियाँ बना दो, तो उस टाइम तो बनाई नहीं थी मैंने, तो आज संडे वाले दिन यही बना रही थी। आज बाहर जाके नाश्ता वाश्ता करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि पक चुके हैं यार, बाहर जा सुबह से बाहर जाओ फिर वहाँ नाश्ता करो। तो मैंने कहा नहीं, आज घर पे ही करेंगे, तो मैं बना लेती हूँ। तो आलू की और प्याज की पकौड़े बनाऊँगी। और लेट ही काम स्टार्ट किया था, उठ गई थी। उठ के आपको पता ही है, उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ, उठते ही नहा लेती हूँ। कपड़े मैंने पिछले दिन के इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि है ना, जब मैं बांट के आई थी ना, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, रील वील बनाई थी, तो मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। तो बस मन का एक बार यही डाल लेते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने में भी पसीने पसीने होंगी, तो बस इनके साथ मन का आ जाओ, तलवा लो थोड़ा सा, तो मेरा भी है ना काम करते करते ना टाइम पास हो जाएगा बातें करते करते। तो बस ये पकौड़ियाँ बना ली थी, फिर खा लिया था। और ज़्यादा कुछ भी आज मैं शूट नहीं करी, संडे के दिन मैं व्लॉग भी नहीं डालती हूँ और ज़्यादा कुछ खास शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हाँ इनका छुट्टी होती है ना, तो हम लोग घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं या कोई काम कर लेते हैं। तो आज मोबाइल वगैरह देखने भी जाना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी नाश्ता किया, घर आके खाना बनाऊंगी। इन्होंने बोला है छोले चावल, ये लोग भी तैयार हो गए और हम पार्क पास वाले में जा रहे हैं रील बनाने और मोबाइल भी देखने जाएंगे। तो अभी रील्स बना लेते। इन्होंने येलो टी शर्ट पहनी थी, तो मैंने भी फिर ये साड़ी डाल ली। और तो पार्क कौन सा वाला करेगी तू? तो ये खाए है ना गाना, उस पर करेगी रील बनाएगी शायद। तो एक दो चार रील्स बन जाएंगी। और इन्होंने येलो पहना था, तो मैंने भी येलो पहना। तो बीच में गाड़ी में आ जाते तो ये देखो पूरी तैयारी रील बनाएगी और इसको चाहिए कि बहुत सारे लोग होने चाहिए और मैं कम लोग वाले पार्ट में, देखो लोग देखे और सेलिब्रिटी समझे। अब जा रहे लोग चल तू फटाफट बना 100%। तो बस यहाँ पे ऐसे फन के लिए ना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ से वही लाइफ वही रूटीन रहता है ना, तो बोरियत भी होती है ना फील। तो हमने कहा चलो आज रील को टाइम देते, रील बना लेते हैं और घर पे क्या बनाए, तो पार्क में चले जाते हैं और फिर पार्क पे बना लेंगे। तो पार्क का भी हो जाएगा कि हाँ भाई घूमना भी हो गया पास के पार्क में। और कभी ना इस पार्क में मैं वॉक किया करती थी जब मैं पतली होने के लिए ट्राई करती थी ना, तो फिर है ना मैं इस पार्क के बड़ा सा ही इसके 11 चक्कर निकाला करती थी, सुबह सुबह आया करती थी। उस टाइम पे इनके भी ऑफिस लेट के हुआ करते थे। अब तो मैं छत पे ही कर लेती हूँ, जब भी मैं डाइट पे और वेट को कम करने के उसमें रहती हूँ ना प्रोसेस पे। तो बस ये देखिए ईलू का रील मैं बना रही हूँ। रील के लिए आज कुछ वीडियोस बना रहे हैं रील्स के लिए और शॉर्ट्स के लिए। लो करो जल्दी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर ले और इंस्टा और रील्स पे जो भी वीडियो डालते हैं उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सुधार करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब चलें जल्दी से रील बनाओ, बाय। तो बस फिर हमने तीन चार रील्स बनाई, फिर मोबाइल देखने भी जाना था। तो ये इस पे आपको सॉन्ग नहीं मिलेगा, सॉन्ग के साथ ये वाला देखना है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, प्राची गोस्वामी 1685 और ईलू का है ईलू देवर्षी। तो वहाँ पे आजकल थोड़ी बहुत रील्स बना रहे हैं ऐसे ही मज़े मज़े के लिए, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। जब मन करता है तो कर लेते हैं, नहीं करता है तो नहीं भी करते हैं, तो फॉलो कर लेना। तो अभी बज गए हैं 3:10 और आके मैं रेस्ट कर रही हूँ। पहले हमने पार्क में पास वाले में रील्स बनाई, फिर हमने इतनी शॉप पे गए मोबाइल्स लेके, तो इतनी ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई कि कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाई। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ऐसे करके करके ओ माई गॉड, तू ना मिली टी शर्ट पहने चली तो फिर मैं इतनी कन्फ्यूज हो गई, फिर इतना थक गए ना यार इतनी गर्मी में। तो एक बार रेस्ट किया, अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। छोले चावल की हस्बैंड की फरमाइश थी, ये तो सो गए अपने, और इनका हर संडे छोले ही रहता है ना इच्छा इनकी, तो छोले और चावल अभी बनाऊंगी मैं। और बस व्लॉगिंग आज इन्हीं खूब आराम से इतमान से कर रही हूँ मैं, ना कोई व्लॉगिंग ज़्यादा कर रही हूँ ना कुछ, रील्स हाँ थोड़ी बहुत बनाई थी बाकी आराम आराम से। तो चलो किचन में जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। छोले भिगो दिए थे सुबह को ही और बस अब उबाल लूँगी, छोले चावल बनाने थे। ये सो रहे थे और बीच में अभी उठ के आएंगे, तो इन्होंने बोला भी था कि रहने तो अब शाम को ही खाएंगे, भूख थी नहीं क्योंकि
इधर उधर घूमे, फिर हम मैंगो शेक और पी के आ गए थे थोड़ा सा, जब मोबाइल देखने गए थे ना। आज मैंने इनके कहने पर ना साड़ी पहन ली, पिछली रात इन्होंने बोला था कि कल तुम साड़ी पहनना, तो फिर आज मैंने ये वाली साड़ी बिल्कुल, और साड़ी भी मैं बिल्कुल हल्की सी पहनती हूँ। साड़ी नहीं पहनने का भी एक रीज़न है मेरे, कई लोग आप लोगों में से भी बोलते हो कि आप अच्छे लगते हो साड़ी पे पहना करो, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बट नहीं पहनने का भी ना एक रीज़न है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो बस यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना के छोले बनाए, और ये ईलू को भी उठाया, 4 बजे के करीब हमने खाया होगा लंच, 4 बजे किया था, तो छोले चावल खाए, फिर वही छत पे बैठ गए, मौसम अच्छा हो गया था तो आम वाम खा लिए, और वो शूट नहीं किया। तो बस फिर वापस तैयार होके और हम लोग निकल पड़े थे एक बार और मोबाइल देखने के लिए। तो शाम को हम फिर चल पड़े एक और नई मोबाइल शॉप। 6-7 मोबाइल शॉप। तो बस यहाँ पे हम एक शॉप पे आ गए थे महेश नगर पे, इनको शर्ट वगैरह भी देखने थे, तो ये शॉप पे आ गए थे। तो आज हम बहुत ज़्यादा घूमे, और उससे पता भी चलता है यार प्राइस कौन सी शॉप पे क्या है, अलग अलग होते हैं प्राइस। उसी मोबाइल का अगर हम कहेंगे ना वहाँ पे हमें इतना मिल रहा है, तो वो कम कर देते हैं, मार्जिन होता है इनमें। तो हमने ले लिए थे, इन्होंने भी लिया था क्योंकि इनका भी काफ़ी पुराना हो गया था, और मैंने भी ले लिया था, तो हमने वीवो ही लिया है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वीवो ही जो है यूज़ ले रहे हैं, तो हमें वीवो का ही समझ में आता है, तो फिर वीवो ही हम दोनों ने ले लिया। एक मैंने लिया, मैंने तो थोड़ा ठीक ठाक अच्छा वाला लिया, इन्होंने थोड़ा कम वाला ही लिया है क्योंकि इनके हाथ से ना बहुत ज़्यादा गिरता है। और सही बात बता दूँ आपको, इन्होंने जो लिया है ना न्यू, जिस रात लिया ना उसके अगले दिन इन्होंने स्क्रीन तोड़ भी लिया। तो ये देखिए ये होता है हाल, ये गाड़ी से निकलेंगे तो इनका गिर जाएगा, कहीं कभी कहीं गिरा कभी कहीं गिरा, तो ये ना नॉर्मल प्राइस वाला ही इसी ले लेते हैं क्योंकि ये महंगा मोबाइल रख ही नहीं सकते क्योंकि इनसे टूट जाता है। और देखिए अगले ही दिन इन्होंने तोड़ भी ली स्क्रीन, वो दिखाऊंगी बाद में आपको। तो ये मेरा वाला है और वो उनका वाला है, इन्होंने वीवो Y21 लिया है ई, तो ऐसे लिया, ये मेरा है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे, और एक जो सवाल था ना वो मुझे क्लियर करना था, ठीक है, तो वो बताते बताते 5 मिनट हो जाते, तो मैंने इसलिए बताया नहीं था। तो भैया इल्लू देवर्षि क्यों है और मैं गोस्वामी क्यों हूँ? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इल्लू देवर्षि इसलिए है क्योंकि इसके पापा देवर्षि है, ठीक है, और मैं गोस्वामी हूँ, लेकिन हम दो, मैं गोस्वामी क्यों और मेरे हस्बैंड देवर्षि क्यों है? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हमारी लव मैरिज है या हमने अलग अलग कास्ट है हमारी, ऐसा नहीं है। तो हम लोग सभी ना एक ही समाज के हैं, गोस्वामी भट्ट तैलंग समाज है हमारा, ब्राह्मण है हम, और कुछ लोग गोस्वामी लगाते हैं, कुछ लोग भट्ट लगाते हैं, कुछ लोग तैलंग लगाते हैं, और मेरे ससुराल साइड में शर्मा और देवर्षि लगाते हैं। देवर्षि की कहानी मुझे भी नहीं पता है भैया इतनी, तो ये इनका नाम है नकुल देवर्षि, तो इसलिए इलू का नाम है इलू देवर्षि। और मैंने मेरा जो सरनेम है चेंज नहीं किया था क्योंकि जात समाज तो वही है, तो चेंज करने से मतलब भी नहीं बनता था। देखो 10th की मार्कशीट में वही, 12th की मार्कशीट में वही, हर चीज़ में वही, तो फिर मुझे सरनेम अपना चेंज नहीं करना था। मुझे मेरे प्राची गोस्वामी से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्राची गोस्वामी से ही मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी जो कि बन गई, तो इसलिए मैंने अपना चेंज नहीं किया। हालांकि बस रीज़न ये है कि इलू के पापा देवर्षि लगाते हैं इसलिए ये लगाती। अब हम दोनों का भी मैंने बता दिया कि समाज एक ही है, लेकिन कुछ लोग भट्ट लगाएंगे, कुछ लोग तैलंग लगाएंगे, कुछ लोग गोस्वामी लगाएंगे, कुछ इनके साइड में शर्मा और देवर्षि लगता है, तो इस वजह से हम दोनों का जो सरनेम है मेरा और इलू का अलग अलग है। इलू के स्कूल में भी ये चीज़ हुई थी जब बहुत छोटी थी, तो फिर क्या हुआ था कि मैम ने पूछा था कि ना इलू तुम्हारे मम्मी पापा की लव मैरिज है क्या, कि ना पापा देवर्षि लगाते हैं और मम्मी गोस्वामी लगाती है, तो ये चीज़ कई लोगों को लगती है और इसलिए, तो ये है बात। देख लो इधर थोड़ा सा देवर्षि। तुम्हें पता है देवर्षि की कहानी? बहुत लंबी दास्तान है। मुझे भी नहीं पता यार। मेरे दादाजी देवर्षि थे, उसके बाद पापा वाली जो जनरेशन आई उन्होंने शर्मा लगाना शुरू किया, फिर अगली ने देवर्षि लगा दी, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो देवर्षि लगा रहे हैं और उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन देवर्षि ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लोग देवर्षि ही चला रहे हैं। अच्छा आपके आगे कभी बदलने का भी है क्या? अभी तो चला रहे तो देवर्षि चलेगा, तो फिर इसलिए बस रीजन ये है कि इलू देवर्षि इसलिए है।
और जात समाज हमारा एक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? एन आई लू देवर्षी। तो पहले पता है इलू शर्मा लगाया करती थी, तो पहले जब प्ले ग्रुप में इसको डाला था ना तो शर्मा लगा हुआ था, तो फिर हम तीनों ही अलग अलग हो रहे थे कि मैं गोस्वामी हो रही थी, इसके पापा देवर्षि हो रहे थे, ये इलू शर्मा हो रही थी। तब फिर हमने जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया तो इसके पापा वाला सरनेम जो है ना वो कर दिया। ये है रीजन हम दोनों की सरनेम अलग होने का।